मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सच का साथ में आपका मेज़बान सैयद बख्तियारुद्दीन कादरी। आए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना वायरस से बंद कुवैत ने 2 जनवरी को सरहदें खोलने का फैसला कर लिया। अमेरिका में मुंतकली इख्तदार पर ट्रंप रुकावटें खड़ी करने से खबरदार रहे जो बाइडन। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजरीन की मुतनाज़े जजीरे पर मुंतकली का सिलसिला जारी। कनाडा की हुकूमत का मुज़हिका खेज फैसला, बीफ खाने पर नहीं ज़बीहे पर पाबंदी। रजनीकांत ने नई सियासी जमात बनाने से माजरत कर ली। तेलंगाना में नई शक्ल का कोरोना वायरस दाखिल, आंध्र प्रदेश में भी एक मामले का इंकशाफ। पंजाब में किसानों ने 1500 मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया, मोबाइल खिदमात मुतासिर। मुंबई में नए साल के जश्न के लिए हुजूम पर कार्रवाई होगी। मेरे पास बीजेपी की फाइल है और 121 नामों का इंकशाफ कर सकता हूं। यूपी की सियासत में शिवसेना की एंट्री, ओहदेदार उनके लिए दरख्वास्तें तलब। रियासत के तमाम बेघर अफराद को मकानों की फराहमी जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बाशा। आस्थान में मखदूम इलाही कड़पा में तकारीब उर्स शरीफ का आगाज। अब आए खबरें तफसील के साथ मुलाहिजा करते हैं। कोरोना वायरस से बंद कुवैत ने 2 जनवरी को सरहदें खोलने का फैसला कर लिया। कुवैती हुकूमत ने 2 जनवरी को अपनी तमाम सरहदें जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला किया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख सबह खालिद अल अहमद अस सबह की सरबराही में मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास में सरहदें खोलने का फैसला हुआ है। काबीना ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल के बाइस सरहदें बंद करने का फैसला 1 जनवरी तक किया गया था। अमेरिका में मुंतकली इख्तदार पर ट्रंप रुकावटें खड़ी करने से खबरदार रहे जो बाइडन। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर के मुताबिक ट्रंप ने मुतअद्दद अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों को खोखला कर दिया है। उन्होंने मालूमात फराहम न करने के अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि उनकी टीम को सियासी सतह पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजरीन की मुतनाज़े जजीरे पर मुंतकली का सिलसिला जारी। बांग्लादेश ने रोहिंग्या पनाह गजीनों की खलीज बंगाल में वाक़ जजीरे पर मुंतकली की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से सख्त मुखालिफत के बावजूद तकरीबन 1000 रोहिंग्याओं पर मुश्तमिल दूसरे ग्रुप की मुंतकली भी शुरू कर दी है। कनाडा की हुकूमत का मुज़हिका खेज फैसला, बीफ खाने पर नहीं ज़बीहे पर पाबंदी। गौकशी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मंजूर, गवर्नर को पेश होगा, मंजूरी के बाद कानून का फौरी इतलाक। पिछले दिनों रियासती कानून साज काउंसिल में इंसदाद गौकशी बिल की नामंजूरी के बाद आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। रियासती काबीना ने इंसदाद गौकशी कानून के रियासत कर्नाटक में निफास के लिए पीर के दिन ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। हालांकि रियासत में इस कानून के नाफिज होने के बावजूद जबीहा खाने बंद नहीं होंगे और बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं। रजनीकांत ने नई सियासी जमात बनाने से माजरत कर ली। तमिल सुपरस्टार ने नए साल के आगाज पर करप्शन से पाक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था। भारत के मकबूल तरीन अदाकार रजनीकांत ने अपनी नई सियासी जमात बनाने से माजरत कर ली। तेलंगाना में नई शक्ल का कोरोना वायरस दाखिल, आंध्र प्रदेश में भी एक मामले का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ये शख्स जो नई शक्ल के कोरोना का शिकार हुआ है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बरतानिया से वरंगल पहुंचा था और 24 दिसंबर को इसका मुआयना किया गया। तेलंगाना में नया कोरोना वायरस दाखिल हो गया है। CCMB के साइंसदानों ने वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को बरतानिया में शुरू होने वाले नई शक्ल के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की निशानदही की है।
पंजाब में किसानों ने 1500 मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया, मोबाइल खिदमात मुतासिर। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 1561 मोबाइल टावर्स को गुस्से का निशाना बनाया गया है और रियासत के 22 अजला में कुल 21306 मोबाइल टावर्स हैं। नए ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और हुकूमत के साथ सातवें दौर की बातचीत से ठीक दो दिन कबल किसानों ने पंजाब के तकरीबन 1500 मोबाइल टावर्स को अपने गुस्से का निशाना बनाया है। मुंबई में नए साल के जश्न के लिए हुजूम पर कार्रवाई होगी। नए साल के पेश नज़र मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। 31 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान से बहुत से लोग पार्टी में मुंबई आते हैं, लेकिन इस बार हर साल की तरह माहौल नहीं होगा। मुंबई में रात के कर्फ्यू की वजह से लोगों को रात 11 बजे के बाद अपने घरों को जाना पड़ेगा। पार्टियाँ उन मौके पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहती हैं। इस बार मुंबई पुलिस एक ड्रोन के ज़रिए समंदर में हर ऊंची इमारत और कश्तियों पर निगाह रखेगी। मेरे पास बीजेपी की फाइल है और 121 नामों का इंकशाफ कर सकता हूं। शिवसेना कायद संजय रावत ने आज एक अहम रिमार्क करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई और इनकम टैक्स की अहमियत को मानने से ही इनकार करते हुए कहा कि किसी ज़माने में जब मज़कूरा बाला एजेंसियां हरकत में आती थीं तो लोग समझ जाते थे कि कहीं कुछ ना कुछ संगीन वाकया हुआ है, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि उन एजेंसियों को सिर्फ सियासी इख्तियारात दिखाने के खेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि सिर्फ एक दिन कबल ही संजय रावत की अहलिया वर्षा रावत को पंजाब एंड में लोन फ्रॉड के लिए 29 पीएमसी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए 29 दिसंबर को हाजिर होने का समन जारी किया गया है और इस बात पर बरहम संजय रावत ने यह बात कही और वाजह तौर पर कह दिया कि सियासी जंग आमने सामने लड़ी जानी चाहिए। मैंने वजीर आला उद्धव ठाकरे से इस सिलसिले में बात की है और शिवसेना अपने तरीके से इस बात का जवाब देगी, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अब ईडी और सीबीआई की अहमियत घटती जा रही है, बल्कि गुज़िश्ता चंद बरसों से तो ये देखने में आ रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात जब गुस्से में आती है तो उन एजेंसियों को हरकत में लाया जाता है। यूपी की सियासत में शिवसेना की एंट्री, ओहदेदार उनके लिए दरख्वास्तें तलब। आम आदमी पार्टी के बाद शिवसेना ने अब उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया है। रियासती चीफ ठाकुर अनिल सिंह ने पंचायत इंतखाबात के जायज़े इजलास में इसका ऐलान किया। उसके बाद ज़िले सतह के अफसरान और ओहदेदारान के लिए दरख्वास्तें तलब करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। रियासत के तमाम बेघर अफराद को मकानों की फराहमी जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की अव्वलिन तरजीह, नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यस्बी अमजद बाशा। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यस्बी अमजद बाशा ने आज कड़प्पा के मामल्लापल्ली में 2828 बेघर अफराद में तामीर अमकना के पट्टे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी का मकसद रियासत के तमाम बेघर अफराद को मकानात फराहम करना है। हुकूमत बिला तफरीक मजहब व मिलत हर फर्द की हमाजहती तरक्की की ख्वाहां है। अमजद बाशा ने कहा कि मुल्क की तारीख में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर तामीर अमकना का प्रोग्राम अमल में नहीं किया गया। रियासत भर में 30,75,000 बेघर अफराद में तामीर अमकना के पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत तमाम अफराद को मकानात भी तामीर करके देगी। ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఒక పండగ వాతావరణం వల్లే మరి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మనం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే మరి ఇవాళ 4వ రోజు, ఈ 4వ రోజుకు సంబంధించి మరి ఈ మామిళ్ళపల్లి లేఅవుట్లో మరి 14, 15, 16, 17, 19, 20 డివిజన్లకు సంబంధించిన
सुमार 3000 मंदी अक् चलक मरी लेवटो इंड पटा कार्यक्रम मरी इवा प्रारंभ चुस्म जी आस्थान मखदूम इलाही कड़पा में तकारीब उर्स शरीफ का आगाज़। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कड़पा में वाक़ आस्थान मखदूम इलाही में तकारीब उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी चिश्ती उल क़ादरी का कल रात आगाज़ हुआ। ये तकरीबात 2 जनवरी तक जारी रहेंगी। कोरोना वायरस का ख़तरा होने की वजह से उर्स के तमाम मरासिम सादा तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर साल उमूमन उर्स शरीफ के मौके पर हर दिन हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन व मोतक़दीन शिरकत करते हैं। इस मरतबा बहुत ही कम लोगों को सनल शरीफ के मौके पर दाखिला दिया गया। सज्जा नशीन आस्थान मखदूम इलाही कड़पा हज़रत सैयद शाह आरिफुल्ला हुसैनी साहब ने सनल शरीफ की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कड़पा यस्बी अहमद बादशाह और दीगर चुनिंदा अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई। आस्थाने के लाखों मुरीदीन और मोतकदीन उर्स शरीफ में शिरकत के मुतमनी होते हैं। आस्थाने की जानिब से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि वो अपने मकामात पर ही फातिहा खानी कर लें, कड़पा आने की ज़रूरत नहीं है। हर साल आस्थाने के मैदान में मेला लगता है, जिसमें रियासत और बैरूनी रियासतों के ताजर अपने दुकान लगाते हैं। इस साल एक भी ताजर को अपना दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। दरगाह शरीफ आने वाले तमाम ज़ायरीन को कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया गया। महकमा पुलिस की जानिब से तकारीब उर्स के मौके पर पुलिस का वसी बंदोबस्त किया गया। DSP कड़पा सुनील ने पुलिस बंदोबस्त की निगरानी की। 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, स्पेशल पार्टी के जवानों के अलावा बड़ी तादाद में पुलिस जवानों और महिला पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया। आज रात देर गए उर्स शरीफ के मौके पर हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह और ज़िला कलेक्टर कड़पा हरी किरण दरगाह शरीफ में चादर पेश करेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब्बा खैर।